नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपके सामने पिनहेड्स निकल आए हैं। इनको जो आप देख रहे हैं, इनको एक्चुअली पिनहेड्स कहते हैं, मशरूम के पिनहेड्स। और सच आपको बात बताऊं तो जितने भी मैंने लोगों से बात करी जो ऑलरेडी मशरूम उगा रहे हैं, थोड़ा सा डी मैग्नीफाई कर देते हैं और आपको इसका एक राउंड दिलवा देते हैं। इसको पूरा घुमा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ जगह पर। ये देखिए, यहाँ पर भी ये वाला निकल आया है और ये वाला निकल आया है, ये वाला निकल रहा है। तो मैं आपको एक पूरा राउंड इसका घुमा देता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और इसको मैं एक अलमारी के अंदर कर रहा हूँ। इसको मैं अंग्रेज़ी में कहता हूँ क्लोज़ेट मशरूम फार्मिंग। और एक और आपको बात बता दूँ कि ये जो मीडियम आप देख रहे हैं अपने सामने, मीडियम जो है ये भूसा नहीं है सिर्फ। ये लग रहा होगा आपको पास से नज़दीक से देखने में कि ये सिर्फ और सिर्फ भूसा है, लेकिन मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट इसमें ना भूसे के साथ साथ उबला हुआ कोकोपीट भी डाला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कोकोपीट में ही उगता है या नहीं उगता है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से माइसीलियम रन हो गया है। और ये जो पीलापन आ रहा है, ये एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया है कि क्यों आ रहा है। इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो मैंने तो निकाला, और मैंने एक्चुअली ना ये यूज़ करके निकाला, इंजेक्ट किया इसके अंदर और जितना भी पीला लिक्विड था वो निकाला। प्लस मैंने कुछ चीज़ें आपको एक एक्साइटिंग बात बताऊं, आप के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो एक्साइटिंग बात पता है क्या है कि ये जो आप देख सकते हैं आपके सामने पिनहेड्स जो निकल के आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये पिनहेड्स एक्चुअली निकल के आए हैं केवल और केवल 16.5 दिनों में। मैंने डाले थे 20 नवंबर को इसके अंदर स्पॉनिंग स्टार्ट करने के लिए, बैग की बनाया था भूसा और कोकोपीट के साथ जैसे मैंने आपको बताया, और सिर्फ मात्र 16.5 दिनों में पिनहेड निकल आए हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें, और इस पहला एक्सपेरिमेंट है जैसे मैंने बोला ठीक किए हैं, तो आप अगर बिगनर हैं या आप अगर सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें पूरा, और मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें एक्चुअली सही की और मैंने इसको किस एनवायरनमेंट में क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया ताकि ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 16 दिनों में उगाए। तो मैं ये एक्सपेक्ट, मैं सच बात बताऊँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 16 दिन तो नहीं, लेकिन अबाउट 19 से 20 दिन में पिनहेड्स निकल आएंगे। बट आज मैं जैसे उठा, और आज है 7 दिसंबर, तो 20 तारीख को भी मैंने एकदम आधी रात में इसको किया था, क्योंकि पूरा दिन मैं बिजी था किसी काम में। तो मैंने आधी रात को 20 नवंबर को इसको बीजों को डाला था, स्पॉन्ज को डाला था बैग में, अच्छे से कोकोपीट और भूसे को उबाल के। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है। और ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे भी निकल रहा है। तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, अगर आप पहली बार एक्सपेरिमेंट करें किसी नई चीज़ का और वो फेलियर ना हो, तो आपको एक्चुअली उसे मोटिवेशन मिलती है, किसी को भी मिलेगी। ये एक बहुत ही ह्यूमन ट्रेट है, इंसानी जो है फितरत है ये एक तरीके से, कि आपको अगर थोड़ा सा भी सक्सेस मिल जाता है किसी चीज़ में जो आप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ये चीज़ जो है आप और अच्छे से कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और मेरे को सिर्फ इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये जो है एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मैं करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को भी इनकरेज करूँगा कि अगर आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, बिल्कुल हेजिटेट ना करें। और आपको कोई सजेशन भी देना है तो वो भी मैं इंक्लूड करने के लिए रेडी हूँ, कि अगर आपको इस वीडियो में ऐसे चाहिए या किसी अलग तरीके से वीडियोज़ चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने को रेडी हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए कि कितने रेट में ये बिक सकता है, देखिए कि इसकी क्या कॉस्टिंग है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, तो बाकी वीडियोस ज़रूर देखें इसकी कॉस्टिंग और इसकी सेल्स प्राइस जानने के लिए। एक सिंपल सी एक लाइन बोलूँगा बस, कि इसमें क्या है कि अगर आप 1 रुपये लगाते हैं तो आपको, और आप शहरों में रहते हैं, मैं छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद, ऐसे शहरों में आप रहते हैं, तो आप 1 रुपये लगा कर कमा सकते हैं 7 से 10 रुपये
और मतलब अगर समझ लीजिए बैग जो है 30 रुपये में लगता है, तो इसमें से 2 किलो के आसपास मशरूम निकलती है ये वाली, और 1 किलो कम से कम 200 रुपये में बिकती है। तो ये मैं 7 से 10 रुपये कम से कम बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप 30 रुपये लगाते हैं तो आप इस बैग से कम से कम 350 से 500 रुपये तक कमा सकते हैं। कई जगहों पे, कई पार्ट्स में, बड़े बड़े शहरों के ये 300 रुपये पर किलो भी बिकता है। तो आप 600 रुपये तक भी कमा सकते हैं एक बैग से, और आपने कितने लगाए, 30 रुपये मात्र लगाया आपने। तो आप देखिए कितना एक्साइटिंग प्रपोज़ल है ये, और ये मैं आपको अपडेट रखूँगा कि जो है, देखिए फिर से एक क्लोज़अप आपको दिखा देता हूँ। तो बस मेरे को दोस्तों यही शेयर करना था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मैंने इसके साथ एक अलग सी चीज़ की जो मैंने पढ़ी भी, और मैंने कुछ अंग्रेज़ी लोगों के वीडियोस भी देखे, और वो जो चीज़ मैंने करी है वो अलग से मैं इसको आपको बता देता हूं। दूसरे बैग पे मैं करके दिखा देता हूं। तो उसको कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट। तो शॉक ट्रीटमेंट शिटाके मशरूम के साथ करते हैं, और साथ में आप चाहें तो ऑयस्टर के बैग के साथ भी कर सकते हैं। तो शिटाके के साथ क्या होता है, कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे आपको मारना होता है। इससे क्या होता है कि जो मशरूम की जो ग्रोथ होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ऊपर जल्दी से जल्दी निकलती है। यही मैंने इसके साथ किया था, तो मेरे को लग रहा है कि, और ऐसे जैसे ऊपर भी किया, नीचे भी किया, हर जगह पे, तो यही मैंने इसके साथ किया, तो हो सकता है ये काम कर गया हो। और मैं ये दोबारा ट्राई करूँगा और फिर से आपको उसका फीडबैक बताऊँगा। और आप अगर मशरूम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ अब आने वाले हैं। आप बिगनर हैं या घर पे मशरूम उगाना चाहते हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत छोटे स्केल पे एक बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे 20,000 ही कमाए पर महीने मशरूम की खेती से, तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखें। मेरी ये आपसे विनम्रता के साथ विनती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।